वालेकुम आई एम डॉक्टर एनी वेलकम टू माय चैनल उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे पेशेंट और इसकी फ़ैमिली की तरफ से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल एक ये है कि हम बेबी की जेंडर का पता कैसे चला सकते हैं और ज़्यादातर फैमिलीस यही जानना चाहती हैं कि अगर बेबी बॉय है तो इसकी कौन सी अलामत हैं सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि एक नॉर्मल और सेहतमंद औलाद खुदा पाक की बहुत बड़ी नेमत है तो वो अपनी जनाब से आपको बेटी या बेटा जो भी अता फरमाएं इस पर आप पाक पर वर्दगार का शुक्र अदा करें अब चलते हैं अपने टॉपिक की जानब प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से बच्चे की जिन्स का अंदाज़ा लगाया जा सकता है लेकिन हर बार ये अलाम सच साबित नहीं होती और बात यह गलत भी साबित हो सकती हैं क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ तब्दीलियाँ सिर्फ हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती हैं और इनका बच्चे की जेंडर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता और कोई भी अलामत साइंटिफिक तहकीक़ के मुताबिक सौ फीसद एक्यूरेट नहीं होती इनसे तकरीबन सत्तर से अस्सी फ़ीसद तक ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है तो अब हम इन साइंस और सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं नंबर वन मॉर्निंग सिकनेस ये प्रेगनेंसी का एक कॉमन सिम्टम है जिसमें प्रेग्नेंट फीमेल को सुबह के वक्त उल्टी मतली फील होती है अगर प्रेगनेंसी के पहले तीन माह में बेबी बॉय हो तो मॉर्निंग सिकनेस कम होती है इसकी वजह यह है कि बेबी बॉय में प्रेगनेंसी हार्मोन बीटा एच का लेवल बेबी गर्ल की नस्बत कम बढ़ता है जिसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस भी कम होती है नंबर टू स्किन चेंजेस अगर आपकी खूबसूरती पहले से कम हो जाए स्किन का कंप्लेक्शन पहले की नस्बत डार्क हो जाए पेट पर ब्लैक निशान आ जाएं, अलीमा की वजह से नाक मोटी लगे तो ये बेबी बॉय की निशानी है और ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टिर की वजह से है जबकि अगर बेबी गर्ल हो तो फीमेल हार्मोन इस्ट्रोजिन की वजह से जो ओवरीज प्रोड्यूस कर रही होती हैं इससे आपकी ब्यूटी पहले की नस्बत ज़्यादा हो जाती है नंबर थ्री हेयर ग्रोथ अगर बेबी बॉय है तो आपके बालों की ग्रोथ पहले से ज़्यादा होगी क्योंकि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ को ज़्यादा करता है जिसकी वजह से बाल घने हो जाते हैं और हाथ पैर पर भी बाल ज़्यादा हो सकते हैं नंबर फोर फूड क्रेविंग्स अगर बेबी बॉय हो तो आपको चटपटी मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने का दिल करेगा मीठा आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा नंबर फाइव लीनिया नाइगरा प्रेगनेंसी में आपके पेट पर एक लाइन होती है जिसे लीनिया नाइगरा कहते हैं अगर लाइन डार्क ब्लैक थिक और बिल्कुल सीधी हो तो ये बेबी बॉय होने की अलामत है जबकि अगर बेबी गर्ल हो तो ये लाइन टेढ़ी होती है नंबर सिक्स बेली शेप अगर आपका पेट चिपटा है तो ज़्यादा चांसेस बेबी बॉय के हैं और मेल बेबी में लेबर पेंस भी जल्दी शुरू हो जाती हैं जबकि बेबी गर्ल में बेली थोड़ी हाई और बाहर की तरफ होती है नंबर सेवन स्लीपी फीलिंग अगर आपको नस्बता कम नींद आती है और आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस नहीं करती रूटीन के काम काज एक्टिवली कर लेती हैं तो ख्याल किया जाता है कि ये भी बेबी बॉय की अलामत है लेकिन यहाँ मैं आपको फिर से बता दूँ कि इन में से बहुत सी बातों का साइंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है कुछ लोगों के लिए बातें एक्यूरेट भी हो सकती हैं और कुछ लोगों के लिए ये गलत साबित होती हैं नंबर एट एपीटाइट देखने में आया है कि अगर बेबी बॉय हो तो आपको भूख ज़्यादा लगती है और आपका और टाइमिंग्स में भी कुछ ना कुछ खाने को दिल करता रहता है मूड स्विंग्स अगर बेबी बॉय हो तो आपको बेबी गर्ल की नस्बत मूड स्विंग्स कम होते हैं यानी चिड़चिड़ापन डिप्रेशन एक टाइम में खुश और साथ ही दूसरे टाइम में उदासी ऐसी कैफियत बेबी बॉय की सूरत में कम होती है स्लीपिंग पैटर्न अगर आप ज़्यादा लेफ्ट करवट पर सोती हैं तो कहा जाता है कि ये बेटा होने की अलामत है लेकिन ये बात भी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से साबित नहीं होती हार्ट बीट जब आपकी डॉक्टर बच्चे के दिल की थड़कन चेक करें और वो 145 से कम हो यानी 130, 140, तो बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जबकि बेबी गर्ल की हार्ट बीट अस्सी फ़ीसद केसेस में एक से कम होती है बैक एक अगर आपको प्रेगनेंसी में कमर दर्द नस्बता का महसूस हो तो बेबी बॉय होने के चांसेस ज्यादा होते हैं लेग सिम्टम्स अगर आपकी लेफ्ट लेग में खिंचाव महसूस हो तो इसमें मेल बेबी होने के चांसेस होते हैं ये भी तकरीबन 70% फीसद केसेस में हो सकता है क्योंकि 100% फीसद किसी भीत के बारे में नहीं कहा जा सकता यूरिन पी एच, अगर आप यूरिन डिप स्टिक से यूरिन की पीएच चेक करें या लैब में यूरिन टेस्ट करवाएं, तो अगर मेल बेबी है तो यूरिन की पीएच एच अल्कलाइन होगी जो एंड्रोजेंस की वजह से होती है जो मेल हार्मोन्स हैं जबकि बेबी गर्ल में यूरिन की पीएच एसिडिक होती है अल्ट्रासाउंड जब हम बीस हफ्ते पर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इस पर नाइन्टी नाइन ये कन्फर्म हो जाता है कि ये मेल बेबी है बाज़ात बच्चे की पोजीशन ऐसी होती है या बच्चे की अम्बलाइकल कॉर्ड आगे आ जाती है जिसकी वजह से जेंडर का पता लगाने में कन्फ्यूजन हो सकती है लेकिन जब बच्चा अपनी पोजीशन तब्दील करता है तो फिर जेंडर वाजह हो जाती है और फिर हम इसे अल्ट्रासाउंड के ज़रिए 99% कंफर्म परसेंट कन्फर्म कर लेते हैं कि ये बेबी बॉय है अब हम बात करते हैं दो टेस्टों की जिनसे हम कन्फर्म कर सकते हैं कि आपका बेबी बॉय है पहला टेस्ट जिससे हम सौ फ़ीसद पता चला लेते हैं कि आपका बेटा है वो टेस्ट है फ्री फीटल डीएनए, जो सातवें या आठवें हफ्ते में एक ब्लड टेस्ट के जरिए किया जाता है जिसमें हम फीटल डीएनए चेक करते हैं अगर हमें एक्स वाई नज़र आता है तो इसका मतलब है कि आपका बेबी बॉय है और अगर एक्स एक्स डी नज़र आता है तो इसका मतलब है कि फीमेल बेबी है और ये टेस्ट सौ फीसद दुरुस्त है इसके अलावा दूसरा टेस्ट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर यूरिन पीएच एच अल्कलाइन होगी तो बेबी बॉय होगा तो अगर घर में खाने वाला सोडा आप यूरिन में डालें और इसी पीएच की वजह से अगर बबल्स बने तो बेबी बॉय होगा अगर बबल्स ना बने तो बेबी गर्ल हो सकती है ये टेस्ट भी तकरीबन सत्तर से अस्सी फीसद दुरुस्त है तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से इन अला और टेस्ट समझने में आसानी हो गई होगी जिससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपका बेबी बॉय है लेकिन जहन में रहे कि ये अलामात तकरीबन 70 से 80 फ़ीसद एक्यूरेट हैं इनसे 100 फीसद अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं अगर आपके जहन में वीडियो से मुतिक कोई सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके अपना बहुत ख्याल रखें शुक्रिया अल्लाह हाफिज़